आज हम सुशी बनाने की सोचे हैं, तो सोचा घर में थोड़ा सुशी बना के देखते हैं। तो पहली बार मूड किया कि इसको यूट्यूब में शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ। तो सुशी के लिए सारे सामान जो मैंने लाया है वो है, ये है सुशी राइस। सुशी राइस मैंने हाफ किलो लेके आया है, और उसके बाद सुशी का मेन चीज़ है नूरी, सुशी नूरी। ये है सी वीड, ये सी वीड है। तो सुशी नूरी, इसको मैं खोल के देखूंगा। इसके अंदर 5 पत्ते हैं और इसमें से 1 या 2 पत्ते हम यूज करेंगे। और मसाले के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक मैजिक मसाला मैंने ले लिया है इसका। और जो सुशी बनाएंगे उसमें जो चिकन हम डालेंगे, ये चिकन लेके आया हूँ, उसको मैंने स्ट्राइप स्ट्राइप करके मैंने काट दिया है। और ये जो स्ट्राइप मैंने काट के रखा है, ये एक्चुअली मैं जापानीज जो तेरियाकी चिकन बनाते हैं वो बनाऊंगा। तो स्पेशली तेरियाकी सॉस मैंने लेके आया हूँ इसके लिए। तो ये तेरियाकी सॉस है, ये यूज करना है मुझे, तेरियाकी सॉस सुशी में, सॉरी ये चिकन में। और थोड़ा जिंजर गार्लिक ये जाएगा चिकन की उसमें। और सुशी के अंदर रोलिंग करने में एवोकाडो यूज करते हैं, एवोकाडो लेके आया, एक कुकुम्बर लेके आया, ये उसके साथ रोलिंग में जाएगा, एक एवोकाडो एक कुकुम्बर। मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगा, स्ट्राइप स्ट्राइप काट के इसको कैसे सुशी में डालते हैं। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं, चिकन को मैरिनेट करना है 30 मिनट्स के लिए। मैं मैरिनेशन में कुछ नहीं, सिर्फ इसका तेरिया की सॉस डालूंगा, क्योंकि इसके अंदर नमक सब कुछ है। तो तेरिया की सॉस मैं डालता हूँ मैरिनेशन के लिए। और जिंजर गार्लिक ये मैरिनेशन में डाल देता हूँ। अब ये छोटा सा बर्तन हो गया है, मैं इसको एक बड़ा बर्तन में लेके इसको अच्छे से घोल के 30 मिनट्स के लिए रख दूंगा। ओके, फिर आते हैं 30 मिनट्स के बाद। भिगो के रख दिया था। एक्चुअली इसको मैंने चार पांच बार पानी में धो के 30 मिनट्स के लिए भिगो के मैंने रख दिया था। अब इसको मैं हाई फ्लेम में रखूंगा जब तक बॉयल हो जाए, फिर मैं आंच को धीमी करके तकरीबन 8 मिनट रखूंगा, और फिर इसको उसमें हो जाएगा। फिर मैं इसको ढक के वैसे भी 20 मिनट्स तक रखना पड़ेगा बिना उसको ढक्कन को निकाल के। अब राइस में ऐसा है कि राइस जितना राइस होगा उतना पानी देना है, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। ओके, अब हम तैयार हो चुके हैं, हमारा तेरिया की चिकन इज रेडी। ये देखिए तेरिया की चिकन, ये एक्चुअली इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो ये अच्छा सा तेरिया की चिकन बन गया है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और ये राइस जो आप देख सकते हैं, इस राइस में थोड़ा सा मैंने राइस विनेगर और नमक, थोड़ा सा नमक और राइस विनेगर डाल के ये सुशी राइस तैयार है। अब हम इसको, और साथ में मैंने काट रखा है, ये देखिए आप कुकुम्बर को कैसे काटना है। कुकुम्बर की सीड्स निकाल देनी है, क्योंकि उसमें वाटर रहता है तो चिपकने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए सीड्स निकाल के कुकुम्बर को ऐसे काटा गया है। और ये है एवोकाडो, एवोकाडो को मैं बहुत पतला पतला पीसेस में काट रखा है, ये डालना है। ठीक, अब हम कोशिश करेंगे पहला सुशी बनाने के लिए, और अगर हमसे होगा या नहीं होगा नहीं पता, बट ये इसमें 5 सीड्स है नोरी का। सो ये पहला नोरी है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस नोरी का आप जो एक साइड ये साइड है,
ये आपका पीछे रहेगा और ये थोड़ा ग्लेज ग्लेज साइड है, ये ग्लेज साइड को आप ऊपर रखना है क्योंकि इसी के ऊपर रखेंगे और इस साइड से इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा ये सॉरी ग्लेज साइड को बाहर रखना है, तो मैं दोनों साइड का एक बार करके देखता हूँ, एक इधर करके ऐसे देखता हूँ, एक दूसरी तरफ करके देखता हूँ। ओके तो हम राइस अब डालेंगे। ये मेरा पहला सुशी बनाने के लिए, आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डालना है, तो मैं बेटर है मैं इसको पहले रख देता हूँ, फिर राइस को कवर करना है। तो आई थिंक इतने में हो जाएगा, चलिए देखते हैं। कोशिश जारी है हमारा सुशी सही से बन जाए। अब राइस आई थिंक ज़्यादा नहीं करना है, उसमें कम रखना है और अब हम इसमें एक टेरियाकी चिकन एक ये रहेगा, साथ में एक कुकुम्बर एक और डाल लेता हूँ अगर कम पड़े तो, और एक ये हो गया आपका एवोकाडो। ठीक अब ये बन गया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक टिप, जो पहले तो हमारे पास बाम्बू का वो सीट नहीं था जिसमें तेरियाकी को बाम्बू सीट से रोलिंग करते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलीथिन में उसको रोलिंग करने के लिए। और सेकंड, आपके पास यहाँ पे आइदर एक गीला कपड़ा रखना चाहिए या फिर पानी थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि एक बार काटने के बाद सुशी को आपको उसमें फिर से पोंछना पड़ेगा, अदरवाइज स्टिकी राइस इसमें लग जाएगा और दोबारा काटेंगे तो ठीक से नहीं कटेगा। तो अभी मैं थोड़ा पानी का कटोरा थोड़ा लेके आता हूँ। ओके अब हम कोशिश करेंगे इसको रैप करने के लिए, रोल करने के लिए। तो पहले हम इसको ऐसे लेके दबाएंगे, फिर थोड़ा और दबाएंगे, तो इसको ऐसे दबा के मुझे लगता है ये बाहर जा रहा है कुछ चीज़ें, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको दबा के अंदर करने के लिए, अब दब रहा है आई थिंक। ओके अब ये हो गया तैयार। चलें अब इसको काटते हैं। पहले बीच में से काटेंगे,
गुड, एक कट हो गया। अब थोड़ा इसको ये हमारा दूसरा कट हो गया। ये हमारा चार बन गए और इसको हम बनाएंगे और छोटा। ये एक्चुअली आठ हो जाएगा एक, तो समझ लीजिए कि ये आठ पीस होटल में यही देते हैं। अरे अब ये कटने से बाहर निकल जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ यही चार पीस ही रखूँ, बेहतर रहेगा। ओके